प्रभु को जयसु। जयसु। तो मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ आपके सामने संत मोनिका के बारे में कुछ बातें बताने के लिए। विस्तार रूप से फादर ने बता दिया है, उनमें से जो मेन चीज है थोड़े बहुत उनको मैं बताऊंगी। तो इस प्रार्थना सभा को, इस जो टॉक है उसको हम लोग गाना के द्वारा शुरू करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, मामा मामा अब तो मदन हमारे गुहार में, अब तो मदन हमारे गुहार में, अब मात दन हमारे गुहार में, अब मात दन हमारे गुहार में, अब मात दन हमारे गुहार में, चलिए हेलो बैठ जाए। आज के इस महत्व दिन के लिए और महत्व टॉक के लिए जो है मैं देने जा रही हूँ, बातें करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम लोग विचार करेंगे कि माँ मोनिका का दिवस हम क्यों मनाते हैं,
उनकी मध्यस्थता द्वारा हम लोग क्यों प्रार्थना करते हैं और मां मोनिका किन किस संरक्षिका है और उनकी प्रार्थनाओं का क्या मकसद था। तो इन सारी चीजों पर हम लोग आज विचार करेंगे और हम लोग भी विचार करेंगे आज की पारिवारिक चुनौतियों के बारे में जो हमारे परिवार और उनके परिवार से पूरा तालमेल करता है। तो मैं बताऊंगी कि संत मोनिका जो थी उनका जन्म उत्तरी अफ्रीका में हुआ था और उनके तीन बेटे, दो बेटे और एक पुत्री थी। उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि उनका जन्म एक ख्रिस्त परिवार में हुआ था और उन्होंने पूरा भक्ति से ख्रिस्त के बारे में जानकारी ली, शिक्षा प्राप्त की। लेकिन जब बड़ी हो जाती हैं तो उनका विवाह पेट्रियोशियस नामक गैर ख्रिस्त अफसर से हुआ जो बहुत ही बड़ा क्रोधी था। क्या था? बहुत ही बड़ा क्रोधी था और चित्रहीन था। चित्रहीन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जो अपशब्द कहते हैं लोग, जो पियक्कर रहते हैं, किसी का कहना नहीं मानते हैं, झगड़ा करते हैं और इन सब बातों से उनका आचरण चित्रहीन हो जाता है और स्टबन रहते हैं। ओके, तो इन सब चीजों से उनका व्यवहार जो है संत मोनिका को प्रिय नहीं लगता है। लेकिन प्रिय लगने का मतलब ये नहीं कि वो पूरा अपने पति को त्याग दे, लेकिन अपने पति को प्यार करते हुए, उनके साथ जीवन व्यतीत करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती हैं। उनके साथ विवाह करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि वो बहुत कष्ट सही, केवल अपने पति से ही नहीं लेकिन अपने सास से भी। आज के पारिवारिक जीवन में हम लोग भी देखते हैं बहू किस तरह अपने सास से पूरी प्रकार से, पूरी ओर से दुख सहती है। जो दहेज की प्रथा है हमारी दुनिया में, हमारे देश में, उसकी वजह से बहू लोग दुख सहते हैं। कभी कभी हमारे पति देव जो होते हैं पियक्कर निकलते हैं, निकम्मे निकलते हैं। तो इन सब सारी चीजों से कभी कभी हमारे बेटे होते हैं कहना नहीं मानते हैं और बुरी संगतों में फंस जाते हैं। इन कारण से कभी कभी जो होता है हमारी माताएं घर में घुट घुट कर रह जाती हैं और घुट घुट कर सहती हैं। तो हम लोग विचार करेंगे कि इन सब परिस्थितियों में भी संत मोनिका कैसे आगे बढ़ती हैं, कैसे अपने आप को थाम लेती हैं, कैसे अपने आप की इच्छाओं को, अपने जो चिंताएं हैं, कैसे अपने आप में काबुल कर लेती हैं। वो आसान नहीं था, लेकिन क्यों आसान हो गया उनके लिए? क्योंकि हर एक परिस्थिति में भी वह ईश्वर से जुड़ी थी, वह हिम्मत नहीं हारी, लेकिन हर वक्त हर क्षण ईश्वर में जुड़ी रही। वह संत मोनिका हमेशा प्रार्थना और धार्मिक कार्य किया करती थी। उनका जो भी छोटी छोटी कार्य हैं, जो भी तपस्याएं हैं, वो ईश्वर से जुड़ी होती थी। कभी भी अपने सास के प्रति और अपने पति के विरुद्ध कभी नहीं गई। अगर हम आज के पारिवारिक जीवन में देखते हैं तो हम यह भी पाएंगे अगर हमारा पति निकम्मा निकले, शराबी निकले, तो हम लोग कभी कभी पुलिस केस भी कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं। कभी कभी हम उन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। कैसे कैसे उठाते हैं उसका फायदा, किसी को पता है? कभी कभी हम अपने पति को न समझकर हम दूसरे आदमी की खोज करते हैं। करते हैं कि नहीं? एक बातें बहुत ही
बोलनी नहीं चाहिए लेकिन ये हकीकत है। हम लोग भी बुरी संगतों में फंस जाते हैं, हम माताएं, हम बहनें, जो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो संत मोनिका है वह एक बड़ी आदर्श है। अगर हम उनके जिंदगी से सीखें तो ये सारी चीजें हम करना बंद करेंगे और हम प्रार्थना में ही जीवन व्यतीत करके हम बहुत कुछ का परिवर्तन ला सकते हैं। और जो ईश्वर में प्यार था, संत मोनिका का जो प्यार था, वो घटित नहीं होता है। यह सब देखने के बावजूद भी पारिवारिक स्थिति जो खराब थी, संत मोनिका की जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव थे, फिर भी वह प्रभु का अनुसरण करने में पीछे नहीं हटती हैं। उनका प्यार कदापि कम नहीं होता है, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सह लेती हैं, प्रभु से लगातार प्रार्थना करती हैं और एक आदर्श कृष्ण जीवन बिताती हैं। मेरे प्रिय माताओं, यहाँ पर आप सबों को एक बात बताना चाहूंगी। आप लोगों ने गैर किया होगा कि संत मोनिका के पति उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे कि नहीं करते थे? बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, जो सहने में, जो माताएं कमजोर हैं वो सह नहीं सकेंगी, लेकिन उनके अंदर इतनी सहने की क्षमता थी, क्षमा करने की क्षमता थी कि वह सब कुछ प्यार से सहती थी। क्यों सहती थी पता है ना? पता है सबको? चंदा बता सकती हैं आप? चांदनी? या क्योंकि वह प्रभु से जुड़ी हुई थी, इस कारण वह सब कुछ प्यार से, चुपचाप से सारी चीजें गुट गुट कर सहती थी। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि दुख झेलना और दुख भोगने में क्या अंतर है। संत मोनिका ने दुख भोगा, दुख झेला नहीं, इतना प्रार्थना की उनके सास और उनके पति में परिवर्तन आ जाता है। वह दुख भोगने से इतना दुख भोगती है कि इन प्रार्थनाओं को संत मोनिका प्रभु को चढ़ाती हैं और इन प्रार्थनाओं द्वारा उनके अंदर बहुत ही परिवर्तन आ जाता है, संत मोनिका के पति में और उनके सास में। और परिवर्तन होने के नाते वह ख्रिस्तीय जीवन व्यतीत करने के लिए पूरा सहमत हो जाते हैं। कौन? उनके सास और उनके पति। और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पूरा सहमत होकर उन आगे बढ़ने की जिंदगी सोचते हैं। लेकिन बीचों बीच क्या होता है, जब जिंदगी परिवर्तन हो जाती है, जिंदगी में परिवर्तन आ जाती है, तो क्या होता है, एक साल के बाद उनकी उनकी सास का देहांत हो जाता है। एक अच्छी व्यक्ति होने के बाद कुछ ही क्षणों तक जीती हैं और उनके बाद उनका देहांत हो जाता है। और एक साल के बाद क्या होता है, उनके पति का भी देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाता है तो दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ता है। उनको पता नहीं कि अब कैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी, लेकिन ईश्वर की आत्मा जो है, जो प्रेरित करता है, प्रेरणा का स्रोत है, उनमें हर वक्त बना रहता है। और वह उस प्रेरणा के साथ साथ उसके आधार पर वह घबराती नहीं है, लेकिन वह आगे जाने में सक्षम होती है। और कुछ ही सालों के बाद जब उनके पति का देहांत होता है और उनकी सास का देहांत होता है, तो उनका बेटा जो है अगस्टिन, बड़ा बेटा होता है और वह 17 वर्ष का रहता है। जब उनके पति का देहांत होता है, सास के देहांत होता है, तो कितने वर्ष के होते हैं? 17 वर्ष के। कौन? अगस्टिन 17 वर्ष का रहता है। और वह कितने कौन से नंबर पे रहता है? पहला नंबर पे, परिवार में सबसे बड़ा लड़का रहता है। तो जब मोनिका के हस्बैंड मर जाते हैं तो उनको बहुत ही आसान रहता है कि उनका हस्बैंड क्या, उनका बेटा क्या करेगा, उन्हें संभालेगा, घर की स्थिति है वो उसमें परिवर्तन लाएगा, वो माँ को समझेगा। लेकिन वो माँ को समझता नहीं है, लेकिन क्या करता है,
वो भी एक बाघ की तरह अवर्रा निकलता है, एक बाघ की तरह मुक्कम पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है। कैसे? वो पूरा लड़कियों के पीछे जाता है, शराब पीता है, प्रभु में विश्वास नहीं करता है। इन सब चीजों को देखकर एक माँ का जो दिल होता है वो टूट जाता है। जैसे पागल बोल रहे थे कि वो लड़कियों के पीछे जाता था इसलिए नहीं, वो शराब पीता था इसलिए नहीं, और वह किसी के साथ भी रहे वो इसलिए नहीं, लेकिन उसका रिश्ता भी प्रभु से पूरा टूट जाता है। इस कारण वह माँ पूरा दर्द से करा उठती है और उसके लिए भी बार बार प्रार्थना करती है। 9 वर्षों तक प्रार्थना की, उसके पहले भी अपने पति के लिए, अपने सास के लिए भी सही, और इस हालात में भी अभी अपने बड़े बेटे के द्वारा दुख तकलीफ उठा रही है, लेकिन वह प्रार्थना से हार नहीं मानती है और दया पूर्वक उसके लिए प्रार्थना करती है। और जब प्रार्थना करने लगती है तो माँ अगस्टिन भी एक दिन पुनः वापस आता है, प्रभु से जुड़ जाता है। जो तो ये विश्वास था, माँ को विश्वास था कि एक दिन मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। जिस प्रकार वो अपने पति को, अपने सास को वापस लाया, उसी प्रकार उसका बेटा भी वापस आएगा, ये इतना उनको विश्वास था। और वह दिन उनके उनको देखने को मिल ही जाता है। जब अगस्टिन वापस आता है तो अपने बेटे से कहती हैं, क्या कहती हैं कि तुम अब ख्रिस्त में जीवन व्यतीत करने जा रहे हो, और जिस दिन का मुझे इंतजार था वह दिन आ ही गया है, इससे बढ़कर मेरा आनंद आनंद की बात ही नहीं। मतलब कि जो आनंद हमें आज प्राप्त हुआ है वो आनंद कभी मुझे में प्राप्त नहीं हुआ था, और इससे बढ़कर आनंद मेरा और कुछ नहीं हो सकता है। वह आनंद क्या था? उसके वापसी का। वह प्रभु से बिछोड़ गया था, और अगस्टिन बिछोड़ गया था, जैसे उड़ाव पुत्र भी बिछोड़ गया था, उसी प्रकार यह बेटा भी, अगस्टिन भी एक प्रकार से बिछड़ा हुआ पूरा लड़का था, और वापस आता है और माँ का दिल पूरा दया से द्रवित हो जाता है और वह खुश से उछल पड़ती है, छलक जाती है, और उसके आंखों में खुशियों के आंसू बह निकलते हैं। और माँ भी सलाह देती है कि बेटा, प्रभु ने जो सिखाया है वह व्यर्थ नहीं है, अब आप प्रभु का अनुसरण कर रहे हो और अनुसरण करने जा रहे हो। इन सभी संसार की जो चीजें हैं, जो संसार की चीजें आपने एंजॉय किए, वह उसे त्यागने जा रहे हो, आप उसे अब त्यागोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई है। हुई है कि नहीं? शुरुआत हुई है? आप लोग सो रहे हो? नहीं तो बोलिए जोर से, शुरुआत हुई कि नहीं? किससे शुरुआत हुई? प्रभु से शुरुआत हुई। और यह क्या का फायदा था? प्रार्थना का फायदा था। किसने प्रार्थना किया? किसने प्रार्थना किया? संत मोनिका ने प्रार्थना की। संत मोनिका एक माँ थी, अगस्टिन की माँ, और इतना प्रार्थना करती हैं कि सबके जिंदगी में परिवर्तन ला देती हैं, सबकी जिंदगी में परिवर्तन ला देती हैं। पर उसके पहले भी जब परिवर्तन नहीं हुआ रहता है संत अगस्टिन का, तो क्या होता है? जब माँ आगे जाती हैं तो एक धर्माध्यक्ष होते हैं, वो अम्ब्रोस होते हैं, उनसे मुलाकात होती है और बोलते हैं, माँ तड़प तड़प के रोती है और प्रार्थना करती है। जहां भी माँ मोनिका प्रार्थना करती थी वहां पे बिना आंसू, धरती को बिना भिंगोए उठती नहीं थी, घुटनों पे टेक के आंसू बहा बहा कर अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, और वहां की धरती है वो पूरी भींग जाती थी, इतना तपस्या करती थी। तो उनकी मुलाकात इसी दौरान उनकी मुलाकात एक धर्माध्यक्ष से होती है जिनका नाम रहता है अम्ब्रोस, और वो अम्ब्रोस जो रहते हैं बहुत ही ज्ञानी होते हैं, और उनसे कहते हैं, मोनिका माँ कहती हैं कि हे पुरोहित फादर, देखिए मेरे पुत्र का ये स्थिति है,
जो मुझे देखा नहीं जाता। तो वो धर्माध्यक्ष कहते हैं कि अगर आप इतना आंसू बहा रहे हो, इतना तपस्या कर रहे हो, तो ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, जरूर ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उनकी आंसू कभी व्यर्थ नहीं गए और उनकी प्रार्थना को प्रभु ने स्वीकार किया। प्रिय माताओं, चमत्कार ऐसे ही नहीं होते हैं। अगर हम देखेंगे प्रभु के भी जिंदगी में, तो चमत्कार यूं ही नहीं हुआ। प्रभु की भी जिंदगी अपने पिता से जुड़ा हुआ था, जुड़ा था कि नहीं, अब्बा से जुड़ा हुआ था, और उन अब्बा से, उस पिता से सामर्थ्य पाकर चमत्कार करने में असमर्थ नहीं लेकिन समर्थ थे, है कि नहीं। तो हम चमत्कार देख सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, हम यहाँ पे विश्वास के साथ आते हैं, अपने अंदर अभिलाषाओं को लेकर आते हैं, जैसे संत मोनिका हर वक्त हर क्षण अपनी अभिलाषाओं को साथ में लेती थी, प्रभु के समक्ष रो रोकर प्रार्थना करती थी, उसी तरह हमारे अंदर भी बहुत सारी मनोकामनाएं हैं। तो अगर हम विश्वास करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हमारे लिए भी चमत्कार एक, हम भी चमत्कार देख सकते हैं, जैसे प्रभु भी सारे चमत्कार किए, और वो चमत्कार हम भी देख सकते हैं जब हम मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेहनत का मतलब क्या? हम प्रभु के पास जाते हैं, हम जब रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उन सब में भी हम प्रभु को याद करते हैं। किसी को हम कोसते नहीं है, किसी को हम शराबते नहीं है, लेकिन उस दुख को भोगते हुए हम ईश्वर के पास जाते हैं, तो हम प्रभु से हम क्या मांगते हैं? चमत्कार करने की शक्ति मांगते हैं, और वो ईश्वर पूरा शक्ति देता है और हम चमत्कार को देखते हैं। तो हम आइए, हम एक गाना गाएंगे, ठीक है, जो उनके जीवन से आधारित है। संत मोनिका एक सुन के कहानियां बहलाने वहां से नूर हो, संत मोनिका एक सुन के Say, no, 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 no
हम यह कह सकते हैं कि माता मोनिका कभी घबराई नहीं। हम बार बार सुन रहे हैं, बार बार हम विचार कर रहे हैं, बार बार गौर कर रहे हैं इन चीजों पर, विशेषकर उनकी प्रार्थना और उनके तपस्या पर। और भी एक चीज है, वो घबराई नहीं। घबराई नहीं तो क्या की? हिम्मत, हिम्मत में जिंदगी व्यतीत की है ना? की कि नहीं? जिंदगी व्यतीत की हिम्मत से, कभी जिंदगी की चुनौतियों से कभी पीछे नहीं हटी। तो आज मां मोनिका हमें सिखाती है अपने गुणों द्वारा। उनके गुण क्या है कोई बता सकता है? इतने सारे दुख सहे, लेकिन इन इन दुखों में भी उनके कुछ गुण दिखते हैं। कुछ नहीं, बहुत सारे गुण दिखते हैं, अच्छे अच्छे काम दिखते हैं। कोई बता सकता है? इन सब चीजों को मैंने इन बीच बातों में बताया, जब मैं बातें कर रही थी उनके बारे में बता रही थी, तो कुछ कुछ चीजें मैंने बताई। क्या था वो? प्रार्थना। क्या है सर्वप्रथम क्या आता है हमारी जिंदगी में? प्रार्थना। प्रार्थना एक अच्छी गुण है। प्रार्थना अच्छी गुण ही नहीं, प्रार्थना हमारे जिंदगी का एक शैली है। जैसे कि हमें उस प्रार्थना को केंद्र बिंदु बनाना है, जो हमें जीने की शैली सिखाता है। है कि नहीं? सिखाता है कि नहीं? हर एक तपस्या का मुकाबला कर सकते हैं आप, कैसे? प्रार्थनाओं से। घोर से घोर पीड़ा सहेंगे, लेकिन अगर प्रार्थना न रही तो हमारे घर में
झगड़ा हो, अगर हम प्रार्थना में न बिताएं अपनी जिंदगी, तो हमारा जिंदगी भी एक अधूरा रहता है, हमारा परिवार भी एक अधूरा रहता है। हम परिवार में मेल मिलाप का, क्षमाशीलता का और भाईचारा का जो नींव रहता है, हम उसे मजबूत नहीं कर सकते और उसे हम कभी हासिल नहीं कर सकते और कभी भी हम उसे अनुभव नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उनका एक पहला गुण क्या था? प्रार्थना। क्या था? प्रार्थना था। दूसरा सहनशीलता। क्या थी? सहनशीलता। इतना तपस्या सही माँ, लेकिन कभी वो हिम्मत नहीं हारी। मैं बार बार ये हिम्मत और घबराने की बातें कर रही हूं, वो कभी पीछे नहीं हटी, वो सहते गई। क्यों सहन करती गई? क्योंकि केवल ईश्वर से ही नहीं, लेकिन खुद से, खुद के परिवार से, खुद के पति से, खुद के बेटे से प्यार करते थे। अगर हम भी अगर अपने परिवार को प्यार करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को प्यार करते हैं, तो वह कितना भी हमसे दूर क्यों न जाए, हमारा प्यार अटूट नहीं होता है, हमारा प्यार उससे बना रहता है और उसकी हम खोज करते हैं, है कि नहीं? हम तड़पते हैं, हम चाहते हैं कि कब हमारा परिवार एक साथ हो जाए। तो एक माँ होती है, वो सहती है, उसके अंदर इतनी सहनशीलता होती है कि वह बहुत ही सह सकती और सहती है। रोज रोज की बात है, बातें होगी किसी के घर में, जब पति पी कर आता है तो क्या आप सहते नहीं हो? सहते हैं कि नहीं? सहते हैं। जब आपका बेटा कहना नहीं मानता है तो सहते हैं कि नहीं? सहती हैं, गाली नहीं देती हैं, गाली देंगे, लेकिन आपका जो ममता का प्यार है, जो ममता भरी है आपके अंदर, झगड़ा करने के बावजूद भी, लड़ाई करने के बावजूद भी, वो ममता उमर पड़ती है कि नहीं? हाँ, तो वो क्या है? सहनशीलता। जितना सहेंगी, जितना सहेंगी, उतना आप परिवार में प्यार उत्पन्न करेंगी, उतना ही प्यार में, उतना ही परिवार में एक समझदारी आएगी, होगी कि नहीं? होगी। और तीसरी क्या है? क्षमाशीलता। क्या है? हाँ, खुद को क्षमा करना और दूसरों को क्षमा करना। माँ मोनिका भी वही की, खुद को क्षमा की पहले। अगर वो क्षमा नहीं करती तो क्षमा की गुण भी नहीं जानती और अपने पति को, अपनी सास को, अपने बेटे को कभी क्षमा नहीं करती। पर वही काबिलियत होता है जो प्यार को जानता है। अगर हमारे अंदर प्यार है तो हमारे अंदर क्षमा करने की भी शक्ति मजबूत होती है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। जब हम प्यार करते हैं तभी किसी को क्षमा भी कर सकते हैं, है ना कि नहीं? हाँ, तो जो माँ थी, मोनिका माँ थी, उनके अंदर प्यार थी, इसलिए खुद को क्षमा करती है, खुद से बैर नहीं करती है। ये कोसती नहीं है कि उनकी शादी एक शराबी घर में हुई है, उनकी शादी एक निकम्मे के घर में हुई है, लेकिन वह प्रभु से प्रार्थना करती है, स्वीकार करती है उन चीजों को, प्रभु की तरह दुख भोगती है, दुख झेलती नहीं है, और वह क्षमा करती है तभी प्रभु का चमत्कार देखती है। हाँ प्रिय माताओं, यह हमारी जिंदगी के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जो हमें पारिवारिक जिंदगी जीने के लिए मदद करती हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी इन्हीं सब शब्दों के साथ, मैं यही तय कहूंगी कि चलिए हम प्रभु से हर वक्त हर क्षण जुड़े रहें। जो मां अपना गुण को छोड़ी है, उनको हम जीने में समर्थ बने। समर्थ तभी बनेंगे जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे, उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो ये सारी शक्ति हम में आएंगी, सहने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति,
यही माँ हमसे कहती है कि हे पुत्रियां, हे माताओं, इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करो, तभी जिंदगी आसान होगी, तभी जिंदगी आपको जीने में आसानी होगी। कितना भी घटनाएं, कितना भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन उस जिंदगी को आप प्रेम पूर्वक सहेंगे, घबराएंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, सहन करेंगे, क्षमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने शब्द को यहीं पे विराम देती हूँ। तो आइए हम लोग फिर से एक गाना गाएंगे। संत मोनिका माई है सब करे गवां, संत मोनिका माई है, गाइए, संत मोनिका माई है सब करे गवां, संत मोनिका माई है, जैसे सब करे संत मोनिका माई है, संत मोनिका माई है, संत मोनिका माई है, प्रभु के प्रेम से